खरगोन शहर में रामनवमी पर हुए दंगों से जहां शहर उभर कर आगे बढ़ने लगा है, लेकिन पुलिस की गिरफ्तार में आए लोगों के परिवारों की परेशानियां 11 माह बाद भी कम होते नजर नहीं आ रही है। कई आरोपितों के घर में बच्चे पिता के इंतजार कर रहे हैं, तो कई परिवारों को 2 जून की रोटी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को खसखसवाड़ी क्षेत्र में सामने आया, जहाँ थैलेसीमिया से पीड़ित एक 18 साल के लड़के समीर ने दम तोड़ दिया। परिवार का कहना है कि समीर के पिता कलीम 11 माह से जेल में हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित समीर आखिरी सांस तक अपने पिता का इंतजार करता रहा, लेकिन बगैर पिता से मिले ही वह दुनिया छोड़ गया। कलीम की बेटी ने बताया, पिता के रहते हुए वे अनाथों की तरह जीवन काट रहे हैं। इतना लंबा समय होने के बाद भी जमानत नहीं मिली, वह अकेले कमाने वाले थे। उनके जेल जाने से बीमार भाई को समय पर उपचार नहीं मिला। परिवार एवं समाजजनों ने प्रशासन से मांग की है कि दंगे में पकड़े गए आरोपितों को जमानत दी जाए, जिससे उनके परिवारों को राहत मिल सके। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। अस्पताल में था, मेरे पास पैसे नहीं थे, दोनों ले जाने वहाँ से। दोनों माँ बेटे पड़े थे, टेंशन में बच्चे ने मेरे सर पप्पा कर दिया था, मेरा जान खत्म कर दिया, उसने आगे दम तोड़ दिया, बाबा घर के दम तोड़ दिया। और आज तक उसने खबर करी मेरे पप्पा आएंगे, मेरे पापा आएंगे, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम दूर का इलाज कराने चले जाते। हमारे बाप के सिवा हमारा कोई भी दिन दुनिया में था, एक बाप भी था सारा और एक भाई था, तो वो भी निकल गया। तो मैंने और मेरा भी इलाज चला, अभी 15-20 दिन में अस्पताल में भर्ती थी, किडनी कितनी एकदम सीरियस खूब हो गया, उसके खून की बाटला लग रही थी और खूब सीरियस हो गया वो, और उसको अस्पताल में भर्ती रखा, आईसीयू में भर्ती कर रखा, और सीरियस इतना हो गया। और मेरे पापा की याद में ऐसा कल से पप्पा कर रहा था, पप्पा आएंगे। मामू ने किया, बेटा तेरे पप्पा को अल्लाह पूछाएगा, माँ मेरे पप्पा आएंगे, और हमारे कोई सिर पर हाथ फेरने वाला भी नहीं, कोई हमारा इलाज करवाने वाला भी नहीं। एक बाप था तो वो भी जेल में चले गया, निस्ते लावर्स ही हो गया। हम दर दर में से मांग मांग के कई कई से गया, हमारी माँ हमको जिधर किधर ले लेके भटक के फिर रही थी। बीमारी क्या थी? और मेरी भी किडनियों की खराबी थी, मेरा भी इलाज इतना लंबा बताया था डॉक्टर ने, इंदौर ले जाने का बताया, इंदौर बताने का बोला, तो हमने किया कि हमारा तो कोई भी नहीं है दुनिया में बताने वाला। बच्चे को बाप थे, आपका भाई को क्या बीमारी थी? हमारे भाई को थैलेसीमिया बीमारी थी, हर महीने ब्लड लगता था, कोई भी नहीं था इंदौर तक के उसका इलाज होता है, उसकी जांच करवाने की थी। आज पापा होते तो इलाज हो जाता, आज पापा होते तो हमारा इलाज हो जाता, हमारा भाई था दम नहीं तोड़ता हमारे हाथों में, उसे का एक दम तोड़ दिया पप्पा का। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हम ये कहना चाहेंगे कि 11 महीने हो गए हैं, और जो लोगों को घरों से उठाकर जेलों में ठूस के बंद कर रखा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोग बहुत परेशान हैं। किसी के बच्चे परेशान हैं, किसी की बीवी परेशान है, किसी की माँ परेशान है, सब परेशान है, सब बेहाल लोग पड़े हुए हैं, कमाने वाले सब जेलों के अंदर ठूस ठूस के बंद कर दिए हैं। ये सरकार जहाँ देखो वहाँ से मतलब सब परेशान है पूरा मोहल्ले के अंदर, और सरकार के अंदर कोई सुनवाई नहीं है, कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं है, कोई प्रशासन सुनवाई नहीं करता, सब जगह से मतलब नाइंसाफी वाले काम हो रहे हैं। क्या क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि इनकी रिहाई जल्दी से जल्दी हो। आज ये समाज के लोग इकट्ठे हो, क्या कारण है? ये कारण इसलिए है कि एक जो जेल में बने कलीम खान, उसका बच्चा रात को 1 बजे डेथ हो गई है उसकी, और बगैर इलाज के डेथ हो गई उसकी, और ये बच्चा थैलेसीमिया का मरीज था, शिकार था, और उसके बाप को जेल में बंद कर दिया है, उसको कोई इलाज नहीं मिल पाया, और ये उसके घर के अंदर सिर्फ एक लेडीज है, उसकी घरवाली है, वो अकेली परेशान रहती है, कभी इसका सहारा मांगना, कभी उसका सहारा मांगना। उसके पिताजी बने, अगर पिताजी होते तो आज उसका इलाज सही तरीके से हो जाता, लेकिन उसके बाप को जेल में बंद करने की वजह से उसको इलाज नहीं मिल पाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अबरार खान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।